नमस्कार, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सोने की खान में आग लगने से साथियों शॉर्ट सर्किट से सोने की खान में आग लगी थी, आग लग रही थी, वहां पर लोग बहुत सारे मौजूद थे। जी हां, इस तरह से झुलस गए कि लोगों की राख और ढेर लग गया। बताया जा रहा है कि 27 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिणी पेरू में ये खबर आ रही है, जहाँ पर छोटी सी सोने की खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 2 दशकों से अधिक समय से यह देश की सबसे घातक घन दुर्घटना हुई है। घटना पर पेरू सरकार ने कहा है कि अरवे क्यूपा के दक्षिणी क्षेत्र में शनिवार को सुबह शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरों में घटना स्थल से धुआं निकलता भी दिखा। खदान को संचालन याना हिकुआ द्वारा किया गया है, जो एक छोटे पैमाने की फर्म है। हालांकि कंपनी ने घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि याना कुई हुआ पुलिस थाने की इसकी पुष्टि की है कि घटना में 27 लोगों की मौत हुई है। पेरू दुनिया का शीर्ष सोना उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। पेरू के ऊर्जा एवं खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह घटना 2000 के बाद सबसे घातक खनन दुर्घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की, शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।